हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और हम लोग जंगल सफारी का ट्रायल कर रहे थे कि वहाँ जाना है हम लोगों को, और जैसे ही सोचे जाने के लिए ये छमाछम बारिश आ गई जो कि हमारा प्लान को ख़राब कर रहा है। आनंद भाई पानी पी रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि अगर हम लोग को टाइम मिला है आधा घंटा एक घंटा जितना देर बारिश होता है तब तक हम लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं, इधर भैया खाना खिला देंगे। तो हम लोग सारा प्लान कैंसिल हो चुका है और बारिश ने फिर से हमारा एक बार पोपट किया है। फिर से बारिश बहुत तेज़ से आया और वो हमने गाड़ी लगाया है यहाँ पे तो बारिश बहुत तेज़ आ चुकी है। हमको नहीं लग रहा है कि ये आधा घंटा एक घंटा पहले से छूटने वाला है। चलो कोई बात नहीं, तब तक यहीं पे इंतज़ार करते हैं, खाना वाना खाते हैं। हम लोगों को खाना खाने का टाइम मिल गया है और खाना का टाइम भी हो चुका है, भूख भी बहुत ज़ोर का लग चुका है। तब तक के लिए पानी पीते हैं, उसके बाद फिर खाना का ऑर्डर देते हैं और खाना खाएँगे। खाना भी कम्प्लीट हो गया, पेट पूरा फट रहा है, बहुत खाली है क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगा हुआ था। भाई थोड़ा कम खाया है क्योंकि इसको बाइक चलाना है, इसलिए वो थोड़ा कम खाया है। और एक चीज़ आप लोग को और बताना था, हम लोग जंगल सफारी के लिए प्लान किए थे लेकिन अभी होटल वाले जो भैया थे उन्होंने बताया कि जंगल सफारी बंद है, इसलिए हम लोग का जंगल सफारी का जो प्लान था उसने हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं पावापुरी की ओर, पावापुरी जल मंदिर की ओर। अब वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ होता है हमारे साथ। अब मेरा पेट देख सकते हो एकदम निकल चुका है, बहुत ज़्यादा, एक नंबर का नौटंकी वाला लड़का है ये। तो ठीक है, चलते हैं। आनंद भाई बाइक चलाएंगे, मेरे बस का बाइक चलाना नहीं है, थोड़ा संभल के चलेंगे क्योंकि आनंद पूरे रात जागा हुआ है और अभी बाइक चला रहा है। भाई आपका प्रो राइडर है, भाई प्रो राइडर है, भाई को आप लोग जरूर देखें, भाई का वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलते हैं पहले पावापुरी के लिए, फिर उसके बाद वहाँ का चीज़ को दिखाते हैं वहाँ क्या क्या है। हम लोग जल मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जल मंदिर बंद है, किसी के लिए भी नहीं खुला हुआ है, कोई भी आ जाए किसी के लिए नहीं खुलेगा जल मंदिर। लेकिन हम लोग का इतना आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए कि आप लोग सपोर्ट करो जम के हर चीज़ में दिखाना चाहता हूँ। मैं एक घंटा परमिशन लेने में टाइम लगाया, हर तरह से जैसे भी हो सका, जिससे भी बात करके हो सका, हमने परमिशन लिया बस आप लोगों के लिए कि हमको जल मंदिर दिखाना ही दिखाना है। तो अंदर आ चुके कुछ और चार लोग को परमिशन मिला है पहले से, जो चार लोग अंदर हैं, हम लोग दो हैं, छः लोग को ही बस आज जल मंदिर के अंदर आने का परमिशन मिला है। इसके लिए हम जो भी जल मंदिर के मैनेजर थे, जो भी यहाँ के मैनेजमेंट थे, हर किसी से हम बात किए कि हमको जल मंदिर विजिट करना है, हम बहुत दूर से आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, बहुत सारा चीज़ हमको करना पड़ा इसके लिए, मैंने किया बस आप लोगों के लिए कि आप लोग जम के शेयर करो, जितना भी हो सकता है सपोर्ट करो। हम आप लोगों को दिखाएंगे जल मंदिर कैसा है, हर चीज़ यहाँ के बारे में। दोनों साइड तालाब जैसा है, आप जैसा कि देख सकते हो दोनों साइड, और पीछे जल मंदिर रहा। यही चार लोग हैं जो साथ में इनको परमिशन मिला था और आज ये जल मंदिर में आए हैं। ये चार लोग हैं जिनको साथ में परमिशन मिला था, ये सारे विजिट करने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये रायपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से ये लोग आए हैं। तो इन लोगों से मिलिए, ये लोग विजिट कर चुके हैं, वापस जा रहे हैं, तो हम लोग तो विजिट नहीं किए, हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या अंदर है, उसके बाद आप लोगों को भी दिखाएंगे। आप लोगों को कैसा लगा है आगे? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे पहले कभी विजिट किए थे आप? नहीं, ये हमारा पहली यात्रा है। तो आप लोग राजगीर विजिट किए या नहीं? इसके बाद राजगीर जाएंगे। मतलब कुछ दिन अभी रहने का प्लान है? हाँ। नहीं, आज हम जा रहे हैं राजगीर, जा रहे हैं और राजगीर कल पूरी यात्रा करेंगे राजगीर। अच्छा, पूरी यात्रा। और बिहार में हमको मंदिर, पावापुरी का मंदिर, जल मंदिर और समोसरण बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिहार में निसंदेह बहुत ही अच्छी जगह है और हम आने वाले सभी यात्रियों से निवेदन करते हैं कि जो भी यात्री शिखर जी आए वो यहाँ पावापुरी, जल मंदिर, कुंडलपुर और राजगीर की यात्रा जरूर करें और अपने मनोरथ और मनोकामना पूरी करें। सर बहुत बड़ाई कर रहे हैं बिहार का, और वाकई में हम भी ये चीज़ कहना चाहते हैं जो बिहार में है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ का मीन्स ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हर चीज़ तरह से। अब खास करके राजगीर को ले लो, पावापुरी को ले लो, ये सब जगह बहुत ही अच्छा है और मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ बहुत पसंद आते हैं। और सर को भी बहुत अच्छा लगा राजगीर घूम के, बिहार घूम के, और ये बहुत बड़ाई कर रहे हैं यहाँ का, तो मुझे अच्छा लगा कि कोई तो बाहर से कोई अदर स्टेट से आके बिहार का जब बड़ाई करते हैं तो दिल से खुशी होती है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आगे गांव है, छोटा सा गांव है राजिम,
वहाँ से आया हूँ और मेरा नाम सतीश पारक है और मैं वहाँ का पूर्व पार्षद रहा हुआ हूँ। सर सर अच्छे पोस्ट पे से हैं तो सर से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू सर। अपना बिहार पे कुछ राय देना चाहते हैं, इन्होंने तो ये चीज़ बता दिया कि बिहार में घूमने वाले बहुत सारी जगह हैं, विजिट कर सकते हैं आप कभी आके, लेकिन सर अपना कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं बिहार को, सजेशन भी देना चाहते हैं। अगर जो भी मैं वीडियो देख रहे हूँ शेयर कीजिए और कम से कम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार उनके पास पहुँचाइए कि अदर स्टेट से जो लोग आते हैं उनको क्या दिक्कत आती है, क्या दुविधा आती है विजिट करने में, तो सर ये बताएंगे क्या दिक्कत इनको आई। सर आपको क्या दिक्कत आया? हमको दिक्कत बिहार में और कुछ ज़्यादा नहीं आया, एक मुख्य दिक्कत ये आई कि दूसरे राज्यों की तुलना में जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उन सब की तुलना में बिहार में सड़क की कमी, सड़क जो आवागमन का जो मुख्य साधन होता है उसमें हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो नीतीश कुमार जी है और भविष्य में हो सकते मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार जी हों, हमारा उन दोनों से आग्रह है कि यहाँ की सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इतनी अच्छी बना दी जाए कि दूसरे राज्य से आने वाले यहाँ की सड़क और आवागमन देख के खुश हो जाए और उनकी यात्रा मंगलमय सुखमय हो। हमारा बस इतना ही निवेदन है। थैंक यू सर, आपको ये बताने के लिए बहुत सही लगा हमको कि सर ने जो भी इनको अच्छा लगा, जो भी बुरा लगा, निष्पक्ष होकर हर चीज़ अपना जो भी पक्ष हुआ वो रखें, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि सर ने हर चीज़ बताया यहाँ के बारे में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. हम और आनंद अंदर से बाहर आ चुके हैं मंदिर को देख के, मंदिर को घूम के अब बाहर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे कमल के फूल लगे हुए हैं पानी में जो कि बहुत सुंदर लगता है, और अगर शाम को आते हैं तो लाइटिंग यहाँ का बहुत अच्छा ज़बरदस्त होता है, पूरा लाइट से ये चमकता है ये मंदिर और जल मंदिर बहुत सुंदर लगता है। जब भी आपको हो तो कभी एक बार ज़रूर आइएगा, ये जगह पर बहुत अच्छा जगह है, बहुत बेस्ट जगह है। तो बाहर चलते हैं, ज़्यादा देर अगर रहेंगे तो बाहर के से लोग रोड पर जाते हुए लोग अगर हमको अंदर देखेंगे तो फिर वो भी ज़िद करेंगे आने के लिए, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और जितना भी शॉट ले सकते थे, फुटेज ले सकते थे, सारा हम लोग ले चुके हैं, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं।